हमारी मैन मुख्य मांगे हैं जो तीन कृषि कानून हों, काले कानून है, ये रद्द हों, जो किसान के हित में भी है और देश हित में भी है। आप लगभग कितने सालों से किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं? हम तो भाई किसान के घर में जन्म लिया, जब से होश संभाला अपने किसान नहीं कर रहे, लगभग 20 साल है आपकी। अब ऐसे धरने प्रदर्शन देख कर क्या बच्चों को कहेंगे आपके करने के लिए आगे खेती बाड़ी? नहीं, ये खेती बाड़ी तो हमारे आगे ही नहीं बचे, हमारे बच्चे खेती बाड़ी कहाँ करेंगे, तो कंपनियों के यहाँ गिरवी रखी जाएंगी, पर कहेंगे किसे जब जमीन ही नहीं बचने की, खेती कहाँ करेंगे वे, तो उसके लिए तो लड़ाई है ये। हमारे बड़े करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आगे बच्चे को भी जो जैसा माहौल होगा करेंगे, पर ये छोड़ेगी नहीं सरकार। इस क्या लगता है जनरेशन के लिए आगे क्या कर पाएंगे? मेरे सामने तो सबको गिरवी रख रहे हैं सरकार, अंबानी अडानी के यहाँ वो जो करवाएंगे वो करेंगे, डंडे से करवाएंगे जैसे अंग्रेजों ने करवाया पहले, वैसे ये आने वाले टाइम में हमारे बच्चों से करवाएंगे। पर कितने सालों से आप यहाँ खेती बाड़ी होती है? हमारे तो पूर्वज ही करते आ रहे खेती। कि गुजारा नहीं हो रहा, ना नौकरी लगी, युवाओं की नौकरी नहीं मिल रही कहीं पर भी, और संविदा पर अपने जो भी है जैसे अपने प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, और खेती में तो बुरा हाल हो गया कि पूछो मत साहब, फसल बिल्कुल मुफ्त लूटी गई है। धान की खेती करते थे और गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं को कोई पूछने वाला नहीं, क्रय केंद्र इन्होंने खोल ले, उसके जो रेट इन्होंने रखे थे वो एक 15-20 दिन तोल हुई हैं, उसके बाद कोई तोल नहीं ली गई। 1500 में गेहूं उठ रहा है और वो भी मतलब दर दर धक्के, यार ब्याज लेने के बाद मतलब कृषि कार्ड पे जो पैसा निकाला, जितनी फसल धान की हुई थी हमारी तो सारी ब्याज में चली गई। और अभाव इतना है कि पशु नहीं पाल सकते, जितना चारा बोते हैं उतना ये पशु आवारा जो छूटे हुए हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गौशाला नहीं बनवाई इन्होंने, खेती बिल्कुल चौपट हो गई। रात को पूरी पूरी रात लालटेन जला के हम अपने खेतों में उन्हें पशुओं को रखाते रहते हैं, तो हम भी बेरोजगार हो गए, बुजुर्ग लोग भी, खेती तो हो नहीं रही, उसे चुक जाते हैं और बच्चे हमारे वैसे भूखे हैं, तो इसके अलावा हम पे चारा भी। बाड़ी में जब हमें पैसा नहीं मिल गया, हमने गन्ना दे दिया, फिर बेताल अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, तो हमारे बंदे दुखी, हम दुखी थे, तो कुराल तो कुराल पर टाइम काट रहे हैं, हम एक तो कुराल पर रात काट रहे हैं, हमारी रात कैसे कट रही, देखो आग बाल का हम टाइम काट रहे हैं, आग बाल का टाइम काट रहे हैं भैया जड्डे में हम, अब इसमें हम परेशान हैं जड्डे, खेती में पैसे नहीं मिल रहे, 3 बजे हम उठकर अपने खेती में जा, कोई पैसे देने की तैयार नहीं हो, मिल में खड़े रहे जड्डे वाले में, कोई पैसे देने की हमारी फसल को तैयार नहीं, तो भैया हम क्या करें, मरे आज में हम तो भैया पैसे लेकर जाएंगे, हम मरना है जी, मरना नहीं।